गंगा और सई नदियों के बीच में बसा उन्नाव प्राचीन काल से ही इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्तमान समय में उन्नाव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में उन्नाव जिले की हर वो जानकारी आपको मिलेगी जिसे आप हमेशा सर्च करते रहते हैं लेकिन इंटरनेट पर सही जानकारियां नहीं मिल पाती हैं आपको। हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली उन्नाव जनपद लखनऊ मंडल में आता है जबकि जनपद का मुख्यालय उन्नाव शहर में है। उन्नाव जिले की सीमाएं 5 जिलों से मिली हुई हैं, उत्तर में हरदोई, दक्षिण में रायबरेली, पूरब में लखनऊ, पश्चिम में कानपुर नगर और फतेहपुर जिले की सीमाएं उन्नाव जिले से लगी हुई हैं। वर्तमान समय में उन्नाव जिले की जनसंख्या 34 लाख से भी ज़्यादा है और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 31,08,367 सर्वे की गई थी जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 16 लाख से ज़्यादा तथा महिलाओं की संख्या 14 लाख से भी ज़्यादा थी। यहाँ प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं अर्थात जिले का लिंगानुपात 907 है। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या प्रत्येक 1,000 पर 93 कम है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या में से उन्नाव जिले की जनसंख्या का अनुपात लगभग 1.56% है। 4,558 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले उन्नाव जिले में 16 ब्लॉक एवं 6 तहसीलें हैं। जिले में एक लोकसभा सीट उन्नाव के अलावा 6 विधानसभा सीटें हैं, बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, भगवंतनगर, पुरवा व उन्नाव। उन्नाव जिले में 15 नगर पंचायतें एवं 16 क्षेत्र पंचायतें हैं। जिले की 17.10% आबादी शहरों में रहती है जबकि 82.90% आबादी गांवों में निवास करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से जिले में 87.89% हिंदू व 11.69% मुस्लिम और बाकी 0.42% के हिस्से में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.37% दर्ज की गई थी। उन्नाव विशेष रूप से अपने इतिहास, साहित्य, धर्म और परंपरा की दृष्टि से खास महत्व रखता है। उन्नाव का इतिहास आज से लगभग हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ था। 12वीं शताब्दी में यहाँ के जंगलों को कटवाकर चौहान राजपूत राजा गोडो सिंह ने एक शहर बसाया जिसका नाम सवाई गोडो रखा गया। बाद में ये क्षेत्र कन्नौज के राजाओं के नियंत्रण में हो गया। यहाँ का गवर्नर खड़े सिंह नाम के एक व्यक्ति को बनाया गया। उन्नवंत सिंह जो यहाँ के पहले गवर्नर थे उन्होंने खड़े सिंह को मार दिया। यहीं एक किले का निर्माण कराया और इस जगह का नाम उन्नाव रख दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्नाव में गंगा नदी के पास परियार नामक स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी और एक मान्यता है कि लव कुश ने भगवान श्री राम की सेना को यहीं परास्त किया था। ये पवित्र क्षेत्र गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जनपद के बांगरमऊ में गौतम बुद्ध ने कुछ समय बिताया था। 1857 की क्रांति के बाद तत्काल अवध के बैसवारा चकला को विभाजित करके उत्तरी भाग उन्नाव को नया जनपद बनाया गया था। उन्नाव जिले की धरती पर अनेक महापुरुष एवं कवि हुए हैं जिन्होंने उन्नाव को पूरी दुनिया में एक खास पहचान दिलाई है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदी साहित्य के कवि प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमा शंकर दीक्षित, द्वारिका प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, अवधि कवि रमई काका, सुमंगल सिंह सुमन, विशंभर दयालु त्रिपाठी, गुलाब सिंह लोधी एवं आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी जैसे लोगों ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्नाव जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो उन्नाव जिले से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है परियार नामक स्थान जो पवित्र पावन गंगा नदी को स्पर्श करता है। परियार को पहले परगना के नाम से जाना जाता था। इसी जगह एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे बाल कानेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। यहीं से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शफीपुर। इस जगह का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शाह शफी के नाम पर रखा गया है।
यहाँ बनी सूफी संत की मजार पर हजारों मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं। उन्नाव इलाहाबाद मार्ग पर अचलगंज पुरवा से दक्षिण से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पतन नामक स्थान है। यहाँ लिंगेश्वर मंदिर, मोहब्बत शाह का किला और प्राचीन काल के अवशेष के रूप में टीले हैं। उन्नाव जिले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है नवाबगंज पक्षी विहार, जहाँ लगभग 300 से ज़्यादा पक्षी देखे जा सकते हैं। यहीं स्थित है एक झील जिसे नवाबगंज झील के नाम से जाना जाता है। उन्नाव से दक्षिण पूर्व से 51 किलोमीटर दूरी पर गंगा किनारे बक्सर नामक प्रसिद्ध स्थान है, जिसकी पहचान पौराणिक काल से है। उन्नाव जनपद भारत के प्रमुख शहरों एवं महानगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ